वेलकम बैक। पिछले क्लास में आप लोग को मैंने पढ़ाया था रोमन नंबर, मैंने आप लोग को पढ़ाया था क्या चीज, रोमन नंबर। आपको मैंने सिखाया था रोमन नंबर में 1 to 100, 1 to 100 मैंने आपको सिखा दिया था। आज आपको सिखाते हैं 100 से 200 के बीच में कोई भी रोमन डिजिट्स में हम कैसे लिखेंगे। तो हम चलते हैं 101। आप तो 100 का स्पेलिंग सीख लिया है आपने, इसको हम लिखेंगे 101। इसको हम क्या, उसके बाद क्या होता है 102, तो आपको इसी को रिपीट करना है 100 100, और यहां है 2 तो हम लिख देंगे 2। ठीक उसी प्रकार अगर लिखते हैं 100, इसको क्या पढ़ेंगे 115, क्या पढ़ेंगे 115, FIFTEEN। फिर उसके बाद हम कोई भी उठाते हैं, यह कितना होगा 165, तो इसको लिखेंगे हम 100 165 65। अगर यहां देखते हैं इसको हम, या क्या पढ़ेंगे 100 प्लस पर क्या है, ये तो जानते हैं कि 1 का 1 प्लस होता है, ये 10 प्लस होता है, ये 100 प्लस होता है, ये 100 प्लस पर क्या है 2। तो अब यहां क्या लिखेंगे, 100 नहीं लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे 200, क्या लिखेंगे हम 200। उसके बाद क्या है 30, T-H-I-R-T-Y 230। उसी तरह कोई भी हम डिजिट उठाते हैं, ये क्या हो गया 255, इसको लिखेंगे 255। ये आपका हो गया वर्ड में। वर्ड में लिखने के लिए मैंने आपको ये सिखाया, ठीक है। वर्ड में आप 100 के बाद जो है 100 से लेके 200 के बीच में 300 के 200 300 400, यहां अगर लिखते हैं 400, इसको क्या करेंगे 488। तो अब यहां 200 नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे 400 488। 88 मैंने लिख दिया। यह आपको हो गया नंबर नेम्स, यानी कि इसको वर्ड में कैसे लिखा जाएगा। वर्ड में इसको लिखने के लिए आपको आपको यूज कर लिखना है। आप क्या करेंगे, होमवर्क में आपको हम देते हैं, आप होमवर्क में क्या कीजिएगा, राइट इन वर्ड्स फ्रॉम 100 to 200, यानी कि 100 से लेकर 200 के बीच में वर्ड को आपको लिखना है। अब कैसे तैयार करेंगे, यहां आप लिख लीजिएगा पहले 100 101 102 103 104 105 106 107, इसी तरह करके आप 200 तक लिखिएगा और वर्ड में आप लिखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट में। चलिए अब हमने आपको वर्ड सिखाया, अब सिखाते हैं रोमन में, फिर रिपीट करते हैं, रिपीट कर देते हैं। सिंबल आपको मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, सिंबल्स ठीक। लास्ट में रोमन में आपको मैंने सिखाया था, क्या सिखाया था सिंबल, एक बार आपको रिपीट कर देते हैं। यह जो होता है 1 का सिंबल होता है, 5 का सिंबल होता है V, 10 का सिंबल होता है X, 50 का सिंबल होता है L, 100 का सिंबल होता है C। आपको भी इतना ही सीखना है, ये सिंबल याद रखना है। पर सिंबल सीख लीजिए, 500 का होता है D और 1000 का होता है M।
तो हमको 1000 तक नहीं सीखना है, हमको सीखना है सिर्फ 100 से लेकर 200 के बीच का। अब सपोज कीजिए आपने पहले सीखा हमको लिखना है 58, तो 58 का क्या होता है, यानी कि 50 प्लस 8, तो 50 का सिंबल क्या होता है L, 50 का सिंबल क्या हो गया L, 8 का सिंबल लिखना तो आप जानते हैं V और 1, यानी कि अब इसको एक साथ जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 58। अब 64 लिखना है, अब कैसे लिखते हैं 60 प्लस 4, आपने पिछले क्लास में एक्सपेंडेड बनाना सीखा है, तो हम पहले इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में किया, 60 का क्या हो जाएगा एल एक्स, 50 60 प्लस 4, और इसको एक साथ कर देंगे एल एक्स आई भी, यानी कि हो गया 64। अब लिखते हैं कि 92 लिखते हैं, तो आपने 9 लिखने के लिए क्या करते थे, 10 से आप 1 सेपरेट करते थे, तो यहां 90 है, इसलिए 100 से हम क्या करेंगे 10 को सबट्रैक्ट करेंगे, यानी कुल एक्सपेंडेड फॉर क्या हो गया इसका, इसका हो गया 90 प्लस 2, यानी कि 90 आपका हो गया, यानी कि सी होता है 100 का और एक से इसमें घटाएंगे तो हो गया 90 प्लस 2, इसको एक साथ मिला देते हैं एक्स सी 2, अब हो गया 92। अब 94 लिखना है, उसी तरह लिखेंगे 90 प्लस 4, तो 90 का क्या होता है एक्स सी प्लस भी आई भी, यह हो गया 94। तो 100 तक आप लिख लेंगे, 100 का क्या हो जाएगा, 100 का हो जाएगा सी, 100 का हो गया सी। अगर 104 लिखना है हमको, या कितना होगा 104, यानी कि 100 प्लस 4, 100 का क्या होता है सी होता है, अब 4 का क्या हो गया आई, यानी कि एक साथ इसको मिला दिए तो यह हो गया 104। अगर दूसरा हम देखते हैं फिर 128 को देखते हैं, यानी कि 100 प्लस 20 प्लस 8, तो 100 का क्या हो गया C, 20 का क्या हो गया XX और 8 का हो गया V और 111, अब इसको एक साथ मिला देते हैं C X X V 111, यह हो गया 128। इस प्रकार इसको भी आपको होमवर्क में क्या करना है, होमवर्क में आपको करना है, होमवर्क मिला आपको राइट इन रोमन फ्रॉम 100 to 200, यानी कि 100 से लेकर 200 के बीच में रोमन में आपको लिखना है एक्सपेंडेड फॉर्म करते हुए, क्या करना है आपको 100 से लेकर 200 के बीच में लिखना है और उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में करते हुए आप करके आइएगा, फिर कल मिलेंगे, ओके बाय।